नमस्कार। आज के जो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच। ए मोटिवेशनल स्पीच कहाँ होते गुरुजी? वे प्रेरणाप्रद शब्द जिससे सोया हुआ इंसान भी जाग जाता है और वह कुछ एनर्जी के साथ आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। चलिए मैं एक स्टोरी सुना ही देता हूँ आपको। एक बार क्या होता है ना, एक प्रोफेसर अपने हाथ में पानी भरकर क्लास शुरू करता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि सर क्लास में पानी भर के कैसे क्लास ले रहे हैं भाई। और जो प्रोफेसर रहते हैं वो सब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपके हिसाब से ग्लास का वजन कितना होगा, बताइए बताइए। कद का सिंपल प्रश्न है गुरुजी, एक गिलास में तो 1 किलो आ ही पानी है। जी हाँ, आपकी ही तरह हर कोई यही बोलता है। कि कोई बोलता है कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, सभी छात्र उत्तर देते हैं मगर सही वजन नहीं बता पाते कोई। प्रोफेसर ने फिर सबसे एक सवाल करता है कि यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इसी तरह उठाकर पकड़े रहूं तो क्या होगा भाई, बताइए। ओला तो मैं गटक गटक करके पी दूँ गुरुजी, वो तो बहुत इजी है। हाँ मगर वहाँ के छात्र, जो कॉलेज के छात्र होते हैं ना, वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा सर। फिर उसके बाद प्रोफेसर फिर पूछता है कि अच्छा अगर मैं इसी तरह 1 घंटे तक उठाए रहूँ तो क्या होगा। सब हैरान हो जाते हैं। अब 5 मिनट 10 मिनट की बात समझ में आती है। अब सर जी बोल रहे हैं कि 1 घंटे के लिए। तो अधिकांश स्टूडेंट बोलते हैं सर आपका हाथ दर्द होगा, दुखेगा। तो प्रोफेसर उस छात्र को खड़ा कराते हैं और बोलते हैं वेरी गुड, तुम सही हो। अच्छा अगर मैं इसे इसी तरह पूरे दिन उठा रहूं तो क्या होगा। फिर सब परेशान किए सर क्या बोलना चाह रहे हैं, आखिर क्या मेन मुद्दा शुरू करना चाह रहे हैं। तो सब बोलते हैं आपका हाथ सुन हो जाएगा सर जी, आपके मसल्स में भारी तनाव आ जाएगा, लकवा मार सकता है और पक्का आपको हॉस्पिटल तो जाना पड़ सकता है। हंसी छूटे थे गुरुजी। हाँ प्रोफेसर बोलता है बहुत अच्छा, पर क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला, प्रोफेसर ने पूछा सबसे। उत्तर आया नहीं। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया, प्रोफेसर का ये प्रश्न रहता है सबके प्रति। सब स्टूडेंट अचरज में पड़ जाते हैं। फिर प्रोफेसर ने पूछा अब दर्द से निजात पाने के लिए मैं क्या करूं। मुड़ी खुला थे गुरुजी, मौला समझ नहीं आ थे कहा बोला था। तो छात्र ने कहा ग्लास को नीचे रख दीजिए। प्रोफेसर बोला बिल्कुल सही, बहुत सही बोले आपने। प्रोफेसर भी बताते हैं कि लाइफ की प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह होती है, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर सोचेंगे और आपको पीड़ा होने लगेगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए और ये आपको बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दिन के अंत में सोने जाने से पहले उन्हें नीचे रखना। इस तरह से आप स्ट्रेच या डिप्रेशन में नहीं आएंगे। आप हर रोज़ मजबूती और ताजगी के साथ उठेंगे और सामने वाले जो चुनौती आने वाली है उसका सामना करेंगे। तो हाँ विद्यार्थियों, समझ में आई गुरुजी कि मोर पास बड़ समस्या रहते, मगर बड़ समस्या ला मैं दिमाग में रखे रखे पढ़ता तो कहाँ मोला याद हुई। अब मैं ये मोटिवेशनल स्पीच मोला आँख ला खोल दीस गुरुजी, अब मैं अच्छा मेहनत करके पढ़ूँ, अच्छा कामयाब इंसान बनूँ और छत्तीसगढ़ महतारी के नाम ला रोशन करूँ मैं गुरुजी। प्रोफेसर साहब जो बोले हैं ओसना ही मोला हर समस्या ला मैं भूल के अच्छा मेहनत करूँ। आते हैं टॉपिक आज का, शुरू करना था हड़प्पा सभ्यता का। तो मंटू अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ सो हुआ, आगे तो आप अच्छा कर सकते हैं ना। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये जो टॉपिक है इस संदर्भ में आज हम विस्तृत वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बुक के अनुसार हम देखते हैं
हम सभी हड़प्पा सभ्यता के उस समय की बात करते हैं जब हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था 13,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र थे, मतलब जो भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसके अंतर्गत पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आता है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वह क्षेत्र चोलिस्तान कहलाता था, और चोलिस्तान के क्षेत्र के आसपास जो जनसंख्या थी या जो आबादी थी, जो नगरीय आबादी थी, वह कम होती गई। चोलिस्तान के जो क्षेत्र थे 1800 ईसा पूर्व के आसपास बिल्कुल कम होते गए, मतलब जो वहाँ के जो आबादी थी, जहाँ जनसंख्या थी, उनकी संख्या कम होने लग गई। उनका पलायन ज़्यादातर गुजरात, हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने लग गई आबादी। इस आबादी बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे बदलाव भी आए, यहाँ की आबादी बढ़ी और ये ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश में रहना पसंद कर रहे थे, नगरी बस्तियों का अभाव मिलता है। गुरुजी आप ही तो बोले रहे ना हड़प्पा सभ्यता है नगरी सभ्यता है, तो आप ही गलत कैसे बोला था ग्रामीण सभ्यता है बोल के। हाँ मिंटू, मैं इस संदर्भ में प्रकाश डाल चुका हूँ भाग 3 में, उसमें मैंने बताया था कि प्राक हड़प्पा सभ्यता मतलब जो ग्रामीण सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद ग्रामीण सभ्यता का भी उद्भव हुआ, इसको भी हम हड़प्पा सभ्यता से इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं। और इसमें क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता की जो भौतिक संस्कृति थी, मूल संस्कृति जो थी, जैसे कि बाट, मोहर, विशिष्ट मन के, ये जो थे इस समय आते आते 1800 के आसपास आते आते समाप्त हो गए थे। और जो लेखन था, लंबी दूरी का जो व्यापार करते थे ना, और शिक्षा विशेषज्ञ, सब समाप्त हो चुके थे, मतलब इस समय ज़्यादा जटिल नहीं था व्यापार। और जो सामान्य थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल का प्रयोग करते थे, मतलब ज़्यादा भारी भरकम सार्वजनिक भवन का निर्माण नहीं करते जैसे कि स्नानागार में करते थे। ये शिल्प कला के संबंध में भी थोड़ा सा स्तर गिरता है, हमें बहुत सारे जो पुरातत्व के वस्तु मिले हैं उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है, तकनीकों का ह्रास हुआ है, बहुत सारी जो पूरा वस्तु थे, पूरा वस्तु मतलब जो पुरानी वस्तुएं थी उसमें हम जब देखते हैं तो ये जो शैली थी ग्रामीण शैली थी, हम यहाँ पर देखते हैं कि शिल्प कला में भी बदलाव आया, जो पहले मातृ देवी की उपासना के संदर्भ में था उसमें बदलाव आया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नई सभ्यता के संदर्भ में कि ये उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियाँ कह सकते हैं इसको। इस उत्तर हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि आवास हेतु नई जो तकनीक का भी ह्रास होता है और जो सार्वजनिक संरचना का भी निर्माण बिल्कुल बंद हो जाता है, जो पहले हम अन्नागार की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, तो ये भी अंत हो जाता है। और बहुत सारे जो क्षेत्र थे ग्रामीण जीवन शैली में भी बदलाव आता है, और उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति भी कह सकते हैं इसको, हम लोग पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। गुरुजी आप बोले ना हड़प्पा सभ्यता के अंत, मगर हड़प्पा सभ्यता के अंत कैसे हुई इस बताएच नहीं है, एति उति ले बताया था। जी हाँ, मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा था कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के समय क्या क्या बदलाव हुए होंगे, कुछ चेंजेस आए हैं, नगर से कैसे ग्रामीण सभ्यता की ओर हड़प्पावासी जाने लग गए, उनके जीवन से ही ग्रामीण पद्धति में बदलने लग गई। आखिर क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता का जीवन शैली इतना बदलाव क्यों आया, उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अब शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो पहला कारण तो होगा कि वनों की कटाई, वृक्षों का अंधाधुंध तरीके से कटाई, जिससे पर्यावरण असंतुलन फैल गया, इसके कारण हो सकता है। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। अभी नए अनुसंधानों से या नए रिसर्च से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन ही एकमात्र कारण था हड़प्पा सभ्यता के अंत का, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो कृषि कार्य थे, जो व्यापार का संतुलन बिगड़ा। जी हाँ, रिसर्च भी हुए हैं, समुद्री जीवाश्म और डीएनए का उपयोग किया गया है रिसर्च में। इसमें निष्कर्ष में यह निकाला कि सर्दियों के मौसम में इजाफे के कारण यहाँ के लोग पलायन किए हैं अन्यत्र। अच्छा, तभी इस कारण से जलवायु सभ्यता का खात्मा भी हुआ है। अगला तीसरा कारण हो सकता है कि जो नदियों के किनारे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता तो बसी हुई थी नगर, और नदियों में अचानक बाढ़ आ जाता है जिसके कारण ये नगर का विनाश हो जाता है।
और बाढ़ का जो क्षेत्र था काफ़ी विस्तृत क्षेत्र था। इस बाढ़ के कारण ये नगर, ये आवास पूरी तरह से उसमें डूबता गया, समाता चला गया। चौथा कारण हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कि नदियों का सूख जाना। जिस नदियों के किनारे यह पूरी तरह से सभ्यता अस्तित्वमान थी, उस नदियों के किनारे वो कृषि करते थे, व्यापार करते थे, वो नदी अचानक सूख जाती है जिससे इस सभ्यता का अंत हो जाता है। एक गुरुजी, नदीला तो सभ्यता के जननी कहते, मगर ये नदी है सभ्यता की विनाशा कैसे कर दी, समझे नहीं आते बोला। जी हाँ, अनुसंधानकर्ता के लिए खोज का विषय ही है कि नदियों के तीन दशा हो सकते हैं। चलिए, नदियों में बाढ़ आ गया तो सभ्यता का विनाश हो गया होगा, या सूखा पड़ गए होंगे नदियों में जिस पर पूरी तरह कृषि और व्यापार डिपेंड था तो हो गया, या मार्ग बदल गया होगा। पर्यावरण के अत्यधिक दोहन के कारण भी नदियां अरोध रूप में परिणित हो जाती हैं, चाहे वह बाढ़ के रूप में हो, चाहे वह मार्ग बदलने के रूप में हो, चाहे वह सूखा के रूप में हो। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी 1800 ईसा पूर्व के पहले मानकीकृत जो बाट हुआ करते थे, माप तोल के जो साधन हुआ करते थे, वो सब समान थे। ये मानकीकृत जो बाट था ये आयताकार हुआ करते थे, मगर बाद में क्या हो गया कि स्थानीय स्तर पर इस बाटों का निर्माण होना शुरू कर दिया गया। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि व्यापार में अभिवृद्धि ना होकर उसमें कमी आनी शुरू हो गई, गुणवत्तापूर्ण व्यापार में भी कमी आना शुरू हो गया। मतलब पूरी तरह से जो स्थानीय स्तर पर जो बाट बनने शुरू हो गए तो उसमें पारदर्शिता भी कमी हो गई, नियंत्रण का अभाव हो गया, तो ये भी एक कारण है। तो ये भी हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण थे, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, शिल्पकला का भी विनाश हो गया। नए नए शोधों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के समय भी दिवाली मनाया जाता रहा होगा, क्योंकि हमें बहुत सारे जो उत्खनन में दिए मिले हैं, एकमात्र देवी के दिए मिले हैं जिसके चारों ओर दिए बने हुए हैं, तो माना जाता है कि उस समय ऐसा रहा होगा, वो शतरंज के खेल खेले गए होंगे। बोल सकते हैं कि विश्व के संदर्भ में सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही है। परतंत्र भारत के जो अनुसंधानकर्ता थे उन्होंने बहुत सारे शोध कार्य किए, उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे आकलन किए अपना कि एक आक्रमण के साक्ष्य उनको मिलते हैं। तो पहला जो आकलन उनका मिलता है कि जो डेड मैन लेन एक सकरी गली के बारे में, मतलब एक सकरी गली है जिसका नाम डेड मैन लेन रखा गया है। यह जो सकरी गली है यह 3 से 6 फीट चौड़ी होती थी, और जैसे ही वो लेफ्ट साइड टर्न करता है तो वहाँ पर 4 फीट व 2 इंच की गहराई पर बुरी तरह से अस्थियां मिली हैं। एक खोपड़ी मिला है जिसमें बुरी तरह से हमला किए गए होंगे, और एक छाती मिला है जिसको बुरी तरह से नुकीले धातु से छेद किया गया होगा। ये इसका साक्ष्य के संदर्भ में जॉन मार्शल के 1931 में मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन में इसका वर्णन है। अब देखते हैं दूसरा साक्ष्य, 16 लोगों के अस्थि पंजर जो आभूषण सहित मिले हैं मृत्यु के समय पहने हुए थे, ये भी हमको 1925 के आसपास जर्नल एशियंट इंडिया से मिलता है साक्ष्य। ए अस्थि पंजर कहाँ होते गुरुजी? अस्थि पंजर, हाँ अस्थि पंजर का अर्थ होता है कि जो मनुष्यों का जो कंकाल है या हड्डियाँ उनको मिली हैं और उस समय जो प्राप्त हुई हैं। और तीसरे की बात कर लेते हैं कि 1947 में REM व्हीलर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे उस समय, उन्होंने अपने जर्नल एशियंट इंडिया में उल्लेख किया कि ऋग्वेद के साक्ष्य के आधार पर व्याख्या किया कि ऋग्वेद में जो पूर्व शब्द का उल्लेख होता है ना, उसका अर्थ होता है कि प्राचीर, किला व गढ़ होता है। आर्यों के जो युद्ध के देवता इंद्र थे जिनको पुरंदर भी कहा जाता है, मतलब गढ़ विध्वंसक कहा जाता है, मतलब गढ़ को समाप्त करने वाले। तो ऋग्वेद में हमें जो साक्ष्य मिलते हैं तो ये माना जाता है कि जो इंद्र देवता थे ये इनका विनाश किए सिंधु घाटी सभ्यता का। और वर्तमान में बहुत सारे उत्खनन कार्य भी किए तो प्रतीत होता है कि वाकई हर नगर किलेबंदी वाला हुआ करता था। इस संदर्भ में आता भी है चौथा पॉइंट कि REM व्हीलर के अनुसार 1947 के आसपास एशियंट इंडिया जर्नल का प्रकाशन हुआ था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि वाकई उस समय नरसंहार हुए थे, और महिला पुरुष बच्चे सबका जनसंहार हुआ था, और मुख्य अभियुक्त जो था इंद्र था। एक आखर चित्र बनाते गुरुजी।
हाँ ये जो चित्र दिख रहे हैं ना, ये जनरल कनिघम का है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे। इस संदर्भ में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इन्होंने ही उस समय के जो मुहर का चित्र बनाया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर मिले हैं उसका चित्र उकेरा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आता है 1960 के दशक में जो जॉर्ज डेल्स नाम का पुरातत्वविद होता है, ये मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर जो मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल के संबंध में नहीं थे, जो बताया गया है ऋग्वेद के बारे में वो बिल्कुल सही नहीं है, और व्हीलर की बातों को सिरे से खारिज करते हैं। अब आता है टीला। टीला था क्या? टीला एक प्रकार का उच्च स्थल होता था। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं और लगातार रहते हैं, तो जो आवाज़ के जो मलबे होते हैं नीचे दबते जाते हैं, उसके ऊपर नए आवाज़ बनते जाते हैं, तो ये टीला ही हो जाता था। और टीलों के बहुत सारे स्तर होते थे, परत होते थे, जिसको बंजर स्तर कहते थे। ये हर स्तर एक दूसरे से भिन्न होता था, पुराना होता था। इस संदर्भ में जॉन मार्शल सर उस समय की फोटो दिखाओ ना सर। हाँ चलिए, जो बुक में फोटो दिए उसके आधार पर समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो दिख रहे हैं टीले, ये टीले का जो उत्खनन कार्य किया गया था ये लंबवत किया गया था कनिघम के समय। यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है मेरे ख्याल से। का गलती सर? जो कि जितने भी लंबवत उत्खनन किए गए हैं ना, उसमें जो भी मिले हैं उत्खनन में साक्ष्य, उसको एक ही काल से संबंधित जोड़ दिया गया है। हाँ, उस समय कार्बन 14 के आधार पर भी जीवाश्म का आयु निर्धारण नहीं किया गया था। वो अगर 36 उत्खनन किया होता तो शायद उत्कृष्ट परिणाम आते, अच्छे परिणाम आते। चलिए मंटू बताइए, क्या ये मातृ देवी की प्रतिमा थी क्या? इस फोटो में मंटू देखिए, आदि पुरुष हैं कि शंकर जी हैं, बताइए। चलिए मंटू बताइए कि मुहर है कि लिंग, उस समय जो प्राप्त उत्खनन में मिले वस्तु। हाँ इसको तो बता दीजिए कि आखिर क्या है, एक खिलौना गाड़ी है जो पक्की मिट्टी। हाँ मंटू, इसको याद करिएगा जो दिख रहा है ना कनिघम की रिपोर्ट के बारे में। आप तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे यार, कुछ बोल ही नहीं रहे आप, बोलिए बोलिए। देखा तो सर, देखा तो, बहुत ही कठिन लगा थी। इतिहास मोला सरल लगते गणित विषय, विज्ञान विषय सरल लगते, गणित विषय तो बहुत सरल लगते, मगर इतिहास कठिन लगा थे। अरे तो बहुत इजी जाएगा मंटू आपके लिए, क्योंकि गणित को आप समझ लेते हैं ना, तो इतिहास को भी समझ लीजिए। इसको ज़्यादातर आपको किस्से कहानी के जरिए आपको याद करना है और बहुत इजी जाएगा। कुछ सन को याद कर लीजिएगा और सबको किस्से गुरु जी एला, मैं नोट्स कैसे बनाऊँ कि मैं कैसे परीक्षा में लिखूँ, उसने मोला ज़्यादा नंबर मिली। हाँ जो क्वेश्चन का जो पैटर्न आता है ना वो तथ्यात्मक नहीं रहता, इसको आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से, और समझने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है अपने शब्दों में। तो ये भाग चार के जरिए हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाता है। इसे तथ्यों को आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे विषय दो, राजा किसान और नगर। तो ये जो रहेगा आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, बहुत जल्दी इसका वीडियो आपको दिख जाएगा।